1971 से जूता सिल रहे हैं, स्थान भी यही है। अभी तक शौचालय और आवास का लाभ नहीं मिला। अनुसूचित जात से संबंध रखते हैं, नाम है श्री मार्कंडे राम, यही आप जूता सिलते हैं इतने दिन से? कितना दिन हो गए? 1971 से। तो उस समय तो यहाँ स्टेशन बहुत कम रहे, इतना भीड़ भाड़ ना रहे। नहीं तो पहले चबूतरा रहे कि कहीं और सी जत रहा आप गोरा तो गोरा दिखा। अच्छा, तो घर कहाँ आपका? सादात सरैया। सादात हम रेलवे स्टेशन पर है, जिसे अभी दिखाया गया है, यह गोरखपुर वाराणसी रेलवे मार्ग पर है। जखनिया एक तरफ है, दूसरी तरफ माहपुर और औरिहार स्टेशन है। यही जूता सिलते हैं और अनुसूचित जाति यानी चमार है। सादात के बगल में सरैया गांव है, सुबह सुबह आ जाते हैं, देर शाम तक जाते हैं और मोची का काम करते हैं। देखिए कुछ अभी जूते सिले गए हैं, यहाँ कोई पेपर भी रख जाता है जिसको बेच देते हैं, तो कुछ देते हैं पेपर वाले के ऐसे ही, एक आध चाय वाय पिला देते हैं, पेपर वाले चाय पिला देते हैं तो उनका पेपर भी बेच देते हैं। हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है। अभी हम भी इंटरसिटी रेलवे स्टेशन, इंटरसिटी जो मड़ुआडीह से गोरखपुर जाती है, उससे आए। कौतूहल बस पूछ दिया और हमारे मित्र ने बताया कि हम जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तब भी यह जूता सिलते थे। विकलांग दिव्यांग हो गए, मोची सू डॉक्टर कब बनेंगे? इन्हें भी संपूर्ण गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। संत शिरोमणि रविदास भी यही करते थे। कर्म की महानता का जिन्होंने पूरे विश्व में अलख जगाया। तो मार्कंडे जी, आपको शौचालय भी नहीं बना? नहीं। क्यों? अब जब नहीं बना तो हम क्या बताएं, न प्रधान सुने न कोई सुना। अच्छा, और घर मिला आपको आवास? नहीं, वो अभी नहीं मिला। पेंशन कोई मिलता है आपको? नहीं, पेंशन भी नहीं मिलता। पेंशन हमारे यहाँ का प्रधान जो है वो 17 में का कागज बनवा कर लिए। हाँ। और 19 में हमें वो फाइल से कागज निकाल कर दिए। देखिए इस बीच कई बार बहन जी भी आई। बहन जी दलितों को अपना वोट बैंक मानती हैं, यह लोग भी मानते हैं। बहन जी हमारी नेता हैं, हमारे समाज की हैं। बहन जी का कई बार आना हुआ और सावित्री बाई फुले शिक्षा मदद योजना और भी योजनाएं चली, छत्रपति कौन कौन सी योजनाएं चली उनकी, और उसमें भी अलग नहीं आए। फिर धरती पुत्र भी कई बार रहे, उन्होंने भी योजनाएं चलाया, उसमें भी नहीं आए। समाजवादी पेंशन योजना में भी पेंशन नहीं मिला। और इस समय श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, संपूर्ण रूप से समर्पित हैं हरिजन बनाम सवर्ण के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश ला करके लागू कर दिया, लेकिन मार्कंडे जी की सेहत में सुधार कब होगा? हमारे अग्रज श्री चंद्रभूषण पांडे जी ने 40 साल किताब लिखा था जज रहते हुए, और उन्होंने अपने गांव के सुद्धू हरिजन को, देवरिया के सुद्धू हरिजन को समर्पित किया था कि 1947 में सुद्धू जैसे थे 40 साल बाद भी वैसे ही हैं, उन्हीं को समर्पित। अब भैया बताइए, 2019 आ गया 87 के बाद, लेकिन मार्कंडे जी जैसे पहले थे आज़ादी के बाद, इनके पिताजी जैसे थे वैसे ही आज भी हैं, कब सुधार होगा? तो मैं पूरा मामला संदर्भित करता हूँ। और एक दुकान भी नहीं खोल पाए, एक गुमटी रहती तो यह गरिमा के साथ दुकान करते, उसको बंद करते चले जाते। तो ये सब झोला में रखते हैं और लेके चले जाते हैं कि कहीं रखते हैं? यहाँ बगल में रखते हैं, कहीं दोस्ती किए होंगे तो उनके यहाँ सामान रख देते हैं। और फिर सुबह आते हैं तो खोलते हैं दुकान, और फिर शाम को बंद करते हैं तो वहाँ रख करके चले जाते हैं। पैदल जाते हैं कि साइकिल से? पैदल जाते हैं। उम्र कितनी हो गई होगी आपकी? 65। अधिक हुई होगी, 71 से यहाँ यह काम कर रहे हैं तो यही है। तो प्रधानमंत्री जी मोची को सू डॉक्टर बोलिए, बोलना ही है, कुछ करना तो है नहीं, जाहिर सी बात है। आपको दिखा दूंगा 1000 तो हमारे उंगली पर है, दिव्यांगजन
विकलांग जी ने निःशक्त जन अधिनियम 1995 के सुसंगत जो प्रावधान है वह भी हमारी जुबानी है और हजारों दिव्यांग जन को जिन्हें आपने दिव्यांग नाम दे दिया तो उनके भी सेहत में कोई आज भी शौचालय नहीं है। मैं दावे के साथ चुनौती देकर के गाजीपुर के जिलाधिकारी के बालाजी यहाँ के जो CDO हैं उनको चुनौती देकर के यहाँ के DDO यहाँ के DPRO चुनौती देकर के कह रहा हूँ 1000 विकलांग जन को मैं अभी भी दिखा दूंगा। आपका जिला ODF हो गया, पूरा देश ODF हो गया, शौच से मुक्त हो गया, लेकिन 1000 में ऐसे लोगों को विकलांग जन को दिखा दूंगा जिनके शौचालय नहीं बने हैं। जाहिर सी बात है जब खेल होगा तो होगा, खेल सेक्रेटरी करेगा, खेल आपका ADO करेगा, खेल आपका BDO करेगा, खेल आपके उच्चाधिकारी करेंगे और बिना खेल के तेल नहीं निकलेगा। अब देख लीजिए अगर यह झूठ क्यों बोलेंगे इस उम्र में, और हमने इनको टारगेट करके नहीं किया है कि चलूँगा तो BDO मिल जाएगा, यही स्थिति है। तमाम लोग यहाँ आकर के जुड़ गए हैं। भैया आपका शौचालय बना है? हाँ सर बन गया है। क्या नाम है आपका? मुरारी। मुरारी, मुरारी रहने वाले कहाँ हैं? आदाब। मुरारी छोड़ भारत को कहाँ बंसी बजाते हो, क्या करते हैं आप? टाली चलाते हैं। टाली चलाते हैं, चलिए आपका शौचालय। अच्छा आप यहाँ टाली कितने में खरीदे हैं आप? 8000 में। अगर एक टाली आपको सरकारी मिल जाती तो आपका अच्छा काम हो जाता ना। देखिए मुरारी है, आप किस जाति पूछना ठीक नहीं है, राजभर हैं। राजभर भी अब आप लोग अनुसूचित में आ गए हैं, तो राज मुरारी राजभर हैं। एक टाली इनको नहीं मिला। कौन सी लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं? सारी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, इन्हीं के लिए चलाई गई, इन्हीं के कल्याण के लिए सारी सरकारों ने दावा किया, अगर मुरारी को एक रिक्शा टाली नहीं दी गई। मुरारी आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? प्राइमरी में। वहाँ मध्यान्ह भोजन दोपहर का भोजन मिलेला? मिलेला चला, ये अच्छी बात है। लेकिन के पढ़ावे के है से स्कूल में भी जाके कभी कभार खाए के है देख के कि कैसन खाना बनत है, ये अधिकार है मन का। चलिए भैया किसी को कुछ कहना है पूछना है? चलिए तो यह है मार्कंडे जी, मार्कंडे राम, और मार्कंडे राम यहाँ 1971 से मोची का काम करते हैं। एक शौचालय इनको नहीं मिला, एक आवास इनको नहीं मिला, उम्र इनकी 68 के करीब होगी, पेंशन नहीं मिला। सारी सरकारों के नाम पर क्या किया जाए, सबको गंदा कहना ठीक रहेगा? बहन जी से लेके धरती पुत्र और भैया जी से लेके और जो बाबा है सभी को गंदा कहता हूँ। या क्या क्या किया आपके सेक्रेटरी ने, कहाँ जा कर के लगाया चौपाल आपका ADO पंचायत, आपका BDO, आपका समाज कल्याण अधिकारी, आपका जिला पंचायत राज अधिकारी, आपका DDO, आपका CDO, कहाँ जा कर के चौपाल लगाता है, क्या करता है विधायक? यह भैया पूरा इस मामले को मैं संदर्भित करता हूँ और आप धन्य हैं, आपको प्रणाम भी करता हूँ। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए योगी जी राम जी ऐसे बने गए अयोध्या में कि पाकिस्तान देखेगा, लोग खुश हैं। अभी 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 मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि राम जी के लिए ऐसा करने जा रहा हूँ, जल्द ही फोकस करूँगा। लेकिन मार्कंडेय जी के लिए क्या होगा? मार्कंडेय जी की सेहत में कब सुधार होगा? ODF कर दिया, पूरा देश ही ODF कर दिया। और मार्कंडेय जी की एक बार फिर गाँव बता दीजिए। सादात सरैया। सादात में सरैया गाँव है, सादात। सादात राजनीतिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण गांव रहा है। देखिए मार्कंडेय जी के लिए चाय आ गया है, आप धन्य हैं भाई। क्या नाम है आपका? सुभाष। सुभाष जी हैं, सुभाष जी इनके मित्र हैं, और मैं भी पी लेता हूँ, बस आके आपके यहाँ पी लेता हूँ। चलिए हम पहुँचाते हैं आपकी बात, ठीक है? नमस्कार आपको, धन्यवाद।